अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई तो आपको क्या जरूरत पड़ी है सब प्रपंच करने की, ये सब नाटक करने की, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि ये पड़ी है क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने इनकी धरती गर्म कर दी है, इनकी राजनीतिक जमीन की जड़ें हिला दी है। दिया कि बीएसपी की सरकार बननी चाहिए तो वो इतना आग बबूला हो गया, वो अजीत अंजुम, वो कांग्रेसी, वो पिट्ठू, वो ऐसे बौखला के करा रहे, उसकी तो एक सीट नहीं आती, कैसे बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? अरे भैया तू एग्जिट पोल करने आया है, कोई अगर किसी का निर्दलीय को बोले तो लिख के चला जा, बता दे कि निर्दलीय के बारे में भी एक आदमी ने बोला है। तू वहाँ काउंटर कर रहा है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहा है कि एक सीट नहीं आती, कैसे सरकार बन जाएगी, वहाँ ऐसा ऐसा बौखला गया जैसे इसके पीछे से किसी ने करंट लगा दिया। तो इसीलिए ये गांधी और गोदी मूडी मीडिया ये बहन जी को बदनाम करने पर तुले पड़े हैं। अगे कांग्रेस इन सब की जननी, और कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये तो इनकी फुलक है बीजेपी वगैरह। कांग्रेस को ख़त्म होना ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब की लड़ाई कांग्रेस के साथ थी और माननीय काशीराम जी की लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, और ये तो पैदा की है कांग्रेस ने, ये बीजेपी आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस है। और आज ये गुठली पिक्चर बनी है, ये डूब मरो कांग्रेसियों, डूब मरो भाजपा वालों, डूब मरो आम आदमी पार्टी वालों। अगर ये गुठली जैसी पिक्चर आज बन रही है 2023 में, आई है ना गुठली पिक्चर, उसमें दिखाया है वो झाड़ू मारते हुए, जातिवाद दिखाया है, अरे डूब मरो। अगर ऐसी फिल्में बन रही हैं आज भी और आज भी लोग गटर में मर रहे हैं और गंदा काम कर रहे हैं तो तुम्हें डूब मरना चाहिए, शर्म करो, सेम ऑन यू। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, आरटी पार्टी, इनके चक्कर में मत आना, एक ही शक्ति है जो संविधान भी बचाएगी और संविधान को मानने वालों को भी बचाएगी, बहन कुमारी मायावती। कांग्रेसी मीडिया और गोदी अर्थात बीजेपी और आरएसएस की ये जो मीडिया है, ये मिल करके बहन जी का, क्योंकि इनका एक ही दुश्मन है, ये सारे मनुवादियों का एक ही दुश्मन है बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी। इनको पता है कि ये दलित देश में राज ना करने लगे, बहुजन देश की सत्ता पे ना आ जाएं, बहुजन ये आए एस सी एस टी के आए तो सही, इनकी पार्टी में इनके पीछे लग करके गुलामों की तरह, जैसे अभी 131 बैठे इनकी आवाज़ नहीं निकलती, जब हमारा रिजर्वेशन खत्म होता है, जब इस देश में कंपनियां बिकती हैं, जब इसमें हमारे खिलाफ जब कोई कानून बनते हैं, जब हमारे पास एट्रोसिटी होती है, तो उन 131 की आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि उनके उनके जो मुखिया हैं वो बीजेपी कांग्रेस वाले उनको अलाउ नहीं करते। इनको स्वतंत्र एक शक्तिशाली नेता, बहुजन नेता बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी, जो स्वतंत्र दलितों की एस सी एस टी 85% की जो पार्टी है, वो ना आ जाए, वो इनकी धज्जियाँ उड़ा देगी, इनकी औकात बता देगी। तो इसीलिए इनकी एक ही दुश्मन है बहन कुमारी मायावती और बीएसपी। बसपा अगर खत्म हो गई तो फिर चर्चा क्यों? बस नहीं खत्म आया, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप क्यों बदनामी, जब एक चीज खत्म ही हो गई तो फिर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आप एस सी एस टी की बात क्यों करने लग गए, ओबीसी की बात क्यों करने लग गए, आप माननीय काशीराम जी और बाबा साहब को क्यों ढोने लग गए भाई, क्यों उठा के घूम रहे हो आप? अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई तो आपको क्या जरूरत पड़ी है सब प्रपंच करने की, ये सब नाटक करने की, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि ये पड़ी है क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने इनकी धरती गर्म कर दी है, इनकी राजनीतिक जमीन की जड़ें हिला दी हैं ये बहन कुमारी मायावती ने, इसीलिए अब कह रहे हैं ये बी पार्टी है, ये सी पार्टी है, ये बीजेपी से मिली है, ये उससे मिली है, ये खत्म हो गई है। तो खत्म हो गई है तो भाई आप क्यों हमारी चर्चा कर रहे हो? और ये खत्म होना, एक महीना रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा इन चार राज्यों में कि बहुजन समाज पार्टी कहां पर खड़ी है, और तुम खत्म तो अब तुम्हारा होने का समय आ गया इन मनुवादियों का और मनुवाद का जो बहन कुमारी मायावती के हाथों होना है। तो बीजेपी या कांग्रेस किससे, बीएसपी से डरती है? बीएसपी इसीलिए नए नए अपने प्यादे पैदा करते रहते हैं, अपने विभीषण पैदा करते रहते हैं। अगर बीएसपी से इनको डर नहीं होता तो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल पैदा नहीं होता, किसी भी तरीके से और बहुत सारे इनसे एक्सीडेंटल नेता जो बहुजनों में बना करके उनको टीवी पर दिखा करके बहन जी की बराबर लाने की कोशिश नहीं होती। अगर इनको बहन जी से डर नहीं होता, क्या जरूरत पड़ी थी इनको विभीषण पैदा करने की? क्या जरूरत पड़ी थी इनको गोदी मीडिया में पैसे दे करके गांधी मीडिया पर, और उनको बहन जी को गाली दिलवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो खत्म हो गई, बीजेपी की भी टीम है। कल मैं देख रहा था एक अजीत अंजुम नाम का पत्रकार है, उसने वो अपने क्या वो मध्य प्रदेश में गया था वो करने पूछने वो एग्जिट पोल, और वो 5-6 लोग बैठे उनको पूछ रहा है कि भाई इस बार कौन आना आएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने एक ने कह दिया कि बीएसपी की सरकार बननी चाहिए, तो वो इतना आग बबूला हो गया वो अजीत अंजुम, वो कांग्रेसी, वो पिट्ठू, वो ऐसे बौखला के करा रहे, उसकी तो एक सीट नहीं आती, कैसे बन जाएगी, कैसे बन जाएगी? अरे भैया तू एग्जिट पोल करने आया है, कोई अगर किसी का निर्दलीय को बोले तो लिख के चला जा,
जा, बता दे कि निर्दलीय के बारे में भी एक आदमी ने बोला है, तू वहाँ काउंटर कर रहा है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहा है कि एक सीट नहीं आती, कैसे सरकार बन जाएगी, वहाँ ऐसा ऐसा बौखला गया जैसे इसके पीछे से किसी ने करंट लगा दिया। तो इसीलिए ये गांधी और गोदी मूडी मीडिया ये बहन जी को बदनाम करने पर तुले पड़े हैं। अगर बहन जी की जैसे पत्रकार तो बड़े निष्पक्ष बनते हैं, सेकुलर बनते हैं, तो ये देख लो परसों की चीजें देख लो, पूरा चल रहा है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसकी वो क्लिप चल रही है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीएसपी और जीजीपी की सरकार बननी है, वहां पर किसी भी तरीके से इनके बिना सरकार नहीं बनेगी, इतना जबरदस्त तरीके। जब बीजेपी कांग्रेस के नेता जब छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, तो आप ये समझ लो ना कि कितना जबरदस्त वहां पर जनता में एक बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है, जबरदस्त तरीके से चल रही है। तुम भले ही मत दिखाओ, और माननीय काशीराम जी कहते थे बिकाऊ मीडिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इनको स्टेटमेंट भी मत देना, वो कहते थे कि इस बिकाऊ मीडिया की हमें जरूरत नहीं है, और इसीलिए आज ही हमें जरूरत नहीं। कांग्रेस आपके नारे के साथ चल रही है, कह रही है जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देखिए अब देश लुटवा करके, देश बर्बाद करके आप ये नारे दे रहे हो। पहले तो आप ये छोड़ो भैया, ये जनसंख्या वगैरह ये सब छोड़ो, पिछड़े अगड़े ये सब छोड़ दो, राहुल गांधी जी पहले तो इस देश का नाम ठीक से लेना शुरू कर दें। वो हिंदुस्तान चलाते हैं, पता नहीं कौन से देश की बात कर रहे हैं। ये देश भारत अर्थात इंडिया, हमारे संविधान में हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। एक तो भारत नाम लेना शुरू कर दे राहुल गांधी, एक तो भारत का नाम लेना शुरू कर दे, और दूसरा वो ये कह दे कि भैया जब प्रधानमंत्री मैं बना तो जो 1992 की निजीकरण की नीतियाँ थी मैं वापस लूँगा, और जो मैंने बेचे हैं कांग्रेस और बीजेपी ने वो सबको सरकारी संस्थान हम वापस लेंगे। इतना तो बोल सकते हैं ना, वो ये तो बोल सकते हैं कि ठेकेदारी की प्रथा, जो कि मजदूर मर रहे हैं 1992 से ठेकेदारी में, वो प्रथा वापस लूंगा। ये बोल दो भाई, दो तीन चीज बोल दो तो हमें लगेगा कि हमारी सही में तुम ईमानदारी से बात कर रहे हो। खतरनाक कौन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए कांग्रेस इन सब की जननी, और कांग्रेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये तो इनकी फुलक है बीजेपी वगैरह, कांग्रेस को खत्म होना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब की लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, और माननीय काशीराम जी की लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, और ये तो पैदा की है कांग्रेस ने, ये बीजेपी आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस है, और ये तमाम जो जितने आम आदमी पार्टी के लाले बनी हैं, ये सारे के सारे ये मनुवादियों को पैदा करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस इन सबकी माँ है, कांग्रेस को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये फुलक को तो टहनियों को तो हम कभी भी ख़त्म कर देंगे। और माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जब कांग्रेस ख़त्म होगी तो बीजेपी आएगी, और बीजेपी ख़त्म होगी तो बीएसपी आएगी। ये माननीय काशीराम जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो इसीलिए आज हमारे सामने चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस है, और कांग्रेस ही बहन जी को बदनाम करवा रही है। या तो तुम्हारे पीछे आके खड़े हो जाएं हाथ बंद करके, जैसे दूसरे गुलाम खड़े हैं हम भी आके खड़े हो जाएं, नहीं तो तुम कहोगे जी बहन जी तो बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है, खत्म हो गई है। ये भी कहते हैं कि अब बीएसपी को क्यों वोट दिया जाए, आखिर क्या है उसके पास? नहीं, कौन से लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ महाराष्ट्र से होकर पालघर में, देखिए पालघर में अभी चुनाव भी नहीं है 2024 में, पालघर में वहाँ आदिवासी और बीएसपी मिलकर के एक बड़ा मूव खड़ा करने की वहाँ पर 8 तारीख को विशाल रैली होने जा रही है, और अभी वहाँ पर वो हुआ हाईवे बंद किया, वहाँ पर तमाम बंद किया वहाँ पर आदिवासी और SC ST ने मिलकर के। तो कौन लोग कह रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को नहीं कह रहे? बीजेपी कांग्रेस में नहीं, मतलब होता तो हम आज झाड़ू क्यों मार रहे होते? आज ये गुठली पिक्चर बनी है, ये डूब मरो कांग्रेसियों, डूब मरो भाजपा वालों, डूब मरो आम आदमी पार्टी वालों। अगर ये गुठली जैसी पिक्चर आज बन रही है 2023 में, आई है ना गुठली पिक्चर, उसमें दिखाया है वो झाड़ू मारते हुए, जातिवाद दिखाया है। अरे डूब मरो, अगर ऐसी फिल्में बन रही हैं आज भी, और आज भी लोग गटर में मर रहे हैं और गंदा काम कर रहे हैं, तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। शर्म करो, सेम ऑन यू, क्योंकि अगर 70 साल में तुम उसको सफाई कर्मचारियों को और सफाई के गटर में से नहीं निकल पाए, जो संविधान ने कहा था कि इनको शिक्षा दे करके आर्थिक रूप से मजबूत करके समाज की देश की मुख्य धारा से जोड़ना, जब तुम वो नहीं कर सके तो तुम और क्या करोगे? तुम्हारी झूठ यहीं पर पकड़ी गई, तुम्हें डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इसलिए साफ है कि अब हमारा जो हमारी जो तरक्की आज़ादी जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है, ये दोनों किसी हालत में नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बहुजन समाज पार्टी? जैसे उत्तर प्रदेश में किया था, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर था, बड़े बड़े गुंडे मवाली माफिया वहाँ से भाग के चले गए, बहन जी ने वहाँ पर 1.5 लाख वहाँ पर सफाई कर्मचारी पक्के भर्ती करे, वहाँ
वहाँ पर सिपाही भर्ती करे 60,000, वहाँ शिक्षक भर्ती करे, तमाम वहाँ पर सरकारी महकमों में उन्होंने सारी सरकारी भर्तियाँ की। और उसके बाद उन्होंने 35,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें भूमिहीनों को बांटी। बहन जी ने फ्लैट दिए 1 लाख से ज़्यादा। माननीय काशीराम आवास योजना के तहत 1 रुपये के रजिस्ट्री पर, 1 रुपये की रजिस्टर पर फ्री वहाँ फ्लैट दिए, वहाँ पर उनके आर्थिक जीवन को ठीक करा, रोजगार, स्वरोजगार महिलाओं के लिए, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। वो आप चले जाओ गौतम बुद्ध नगर से लेकर लखनऊ में, वहाँ उर्दू से लेके पारसी से लेके भाषाओं के विश्वविद्यालय खोले, जिससे कि पूरी दुनिया में पढ़ लिख करके हमारे लोग वहाँ पर आगे जाएँ, तरक्की करें। बहन जी ने एक से एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले, IIT खोली वहाँ पर, और मेडिकल के, हेल्थ केयर के सेक्टर में क्रांति कर दी। बड़े बड़े उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल्स और तमाम उन्होंने खोले। और कैसी तरक्की चाहिए, जब प्रधानमंत्री बन जाएगी तो उस समय देखो क्या करेंगी, क्योंकि पूरी इस देश की शक्ति उनके हाथ में होगी और इस देश के एक एक नागरिक के लिए वो ताकत से काम करेंगी। और बहन कुमारी मायावती है जो निष्पक्ष रूप से सबके लिए काम कर सकती है और करके बताया है। इसलिए मेरी अपील है भाई, इस बार बरगलाना मत, BJP, कांग्रेस, समाजवादी, RT पार्टी, इनके चक्कर में मत आना। एक ही शक्ति है जो संविधान भी बचाएगी और संविधान को मानने वालों को भी बचाएगी, बहन कुमारी मायावती।